शॉक्स नहीं पहने, आप देख सकते हैं इतना रोई शॉक्स नहीं पहने, और इसको चश्मा लगाना था, जिद करके चश्मा लगा लिया। सुबह से जल्दी सब कर रहे हैं, इन्होंने तैयार किया, मैंने इसको ड्रेस नहीं पहना टू बी ऑनेस्ट। इन्होंने जल्दी जल्दी ड्रेस पहना दी, मैंने लंच वगैरह तैयार करके सब बैग तैयार किया, बॉटल मैं काम करके रखी हूँ अभी, तो यही सारी चीज़। इतना अजीब सा लग रहा था ना, बता नहीं सकती है। सोना क्या रखते हैं? बॉटल आ नहीं रही सोना बैग में। हाँ। तो सोना आपने शॉक्स क्यों नहीं पहने? बड़े थे। हाँ। तो अब क्या करें, अब कैसे पहनोगी? शॉक्स पहन लो, शॉक्स पहन लो, देखते हैं क्या होता है। मैम क्या बोलती हैं, स्कूल में बिना शॉक्स के जा रही है ये। चलिए फिर इसको छोड़ करके आते हैं, और सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इस वजह से बात नहीं कर पाई, नहा धो करके पूजा पूजा की मजदूरी सब करते रहे। फिर उसको छोड़ के आ जाएंगे, तब आप लोगों से बात करेंगे। छोड़ करके आए, बट उन्होंने बोला ना कि मतलब भूल नहीं है ना कि वहां रुक नहीं सकते ना पेरेंट्स लोग, उन्होंने कहा कोई दिक्कत होगी तो मैं तुरंत कॉल कर दूंगी, आप लोग टेंशन फ्री होकर के जाओ। इतना मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। घर आकर के देखा, एकदम मतलब अजीब सा फीलिंग आ रही है, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। आज घर की हालत ना इतनी बुरी हो रही है, घर की हालत, किचन की हालत की मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं क्लीनिंग के लिए एकदम पूरी तरीके से जुट जाऊंगी, और नहाना वगैरह तो हो ही गया, नहाना तो है नहीं, बस कपड़े चेंज कर लूंगी और क्लीनिंग कर लूंगी। पता नहीं कितना रोएगी, क्या करेगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो लोग रुकने देते तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, बट ऐसे वो अगर हर पेरेंट्स को रुकने देंगे तो वहां पर सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, ये भी तो बात है, मुझे समझना पड़ेगा उस चीज को। बट फिर भी मैं ना फोन ही देखती रहूंगी, अब कॉल तो नहीं आ रहा स्कूल से, कॉल तो नहीं आ रहा स्कूल से। चलिए क्या कर सकते हैं। आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों लोगों ने मिलकर के उसको रेडी किया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले मुझे ही करना था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने सारी वो करनी थी, हम दोनों लोगों ने मिलके तैयार किया है। ये जो है, ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। दोनों लोगों ने मिलके जल्दी जल्दी से उसको तैयार कर दिया, दोनों लोग छोड़ करके आए, और हालांकि वो बहुत
काम था, जाना था, बट फिर भी उसको अब इन्होंने इतना इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ दिया, तो नहीं चलो पहले मैं स्कूल इसको छोड़ करके आता हूँ साथ में, तब देखते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है, आप लोग समझ सकते हो, जो जो ये दिन से गुजर चुका है वो तो अच्छे से समझ सकता है। और जो भी मैं चीजें बोलती हूँ ना, एक माँ की जो फीलिंग होती है ना, वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता, कोई लड़की नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक माँ समझ सकती है कि माँ वाली फीलिंग क्या होती है। माँ की जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अंदर से फील करती है, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, एक लड़की तक नहीं समझ सकती है, तभी समझेगी जब वो खुद माँ बनेगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, पहले मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही लगता था कि हाँ मैं बड़ा वो हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं ना, मम्मी बोलती थी जब खुद माँ बनोगी ना तब समझ आएगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बस समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये माँ की जो फीलिंग, माँ के जो काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिर्फ एक माँ ही माँ समझ सकती है। तो जो लोग इस दिन से गुजर चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करिएगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, मुझसे जरूर बताइएगा। और मैं थोड़ा सा आज इमोशनल हो रही हूँ अंदर से, बहुत अजीब सा, बहुत शांति शांति सी लग रही है सच में। अभी तक वो होती तो मुझे नाच नचाए रहती, मैं ऐसे बैठ पाती सुकून से दो मिनट के लिए, नहीं इतनी सुबह सुबह ये करो वो करो यही रहता है, कभी सुसु आई, कभी पट्टी आई, मतलब जैसे मैं बैठने चलती हूँ काम वाम फिनिश करके, वैसे ही उसका हॉर्न बज जाता है तो यही है। और चलिए, मैंने बहुत बातें कर ली, काम बहुत ज्यादा पड़ा है, मैं समेट दूँ, वरना अगर स्कूल से कॉल आ गया तो मुझे स्कूल भागना पड़ेगा, और स्कूल जाने में पैदल यहाँ से आधा घंटा लगता है, आधे घंटे से ऊपर ही लग जाएगा, देखते हैं क्या करना है। अभी पहले थोड़े दिन स्कूल के होने दें, तब मैं कोई डिसीजन लूंगी बड़ा, और वो ना मैं बाद में बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। और अगेन, एक माँ की फीलिंग, एक माँ के काम सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है ना। चलिए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। ये है मेरा घर और ये इस हालत में है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, आज तो कुछ ज्यादा ही हड़बड़ मच गई है, पता चल रहा है ना, सीरियसली पता चल रहा है कि बच्चा स्कूल गया है किचन की हालत देखिए, सारे घर की हालत ऐसे पड़ी हुई है, मतलब सुबह सुबह ना एकदम तूफान आया था मेरे घर में, सच में पता चल रहा है कि आज बच्चा स्कूल गया है चलिए मैं फटाफट समेट लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। एक दिन मेरे हस्बैंड ने सोफा कवर बिछाया था, तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि उल्टा बिछा दिया है, तो उसका मैं रीजन बताती हूँ, वो मैंने ही बिछवाया था, आप देखिएगा अभी अगर ऐसे मैं बिछाती हूँ, इस तरीके से बिछाती हूँ तो आगे वो देखिए गैप बना रहता है, पूरा ब्लू ब्लू आगे पूरा खुला हुआ रहता है, और जो पीछे है वो पीछे से आगे ज्यादा खिसकता है आगे की तरफ जब बैठो। और जब मैं इस तरीके से डालती हूँ, जब मैं ऐसे करके बिछाती हूँ, तब क्या हो जाता है कि ये जो इसका एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, इसको मैं पीछे अच्छे से दबा देती हूँ, तो वो आगे भी नहीं खिसकता है, और आगे वाला जो कवर है वो पूरी तरीके से, आगे वाला जो एरिया है पूरी तरीके से कवर हो जाता है। बस यही एक रीजन था जो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे बोल ही रहे थे कि उल्टा बिछा दिया है, उल्टा बिछा दिया है, तो बस इसीलिए मैं ये कवर ऐसे बिछाती हूँ। आता है कि आप दिल उल्टा क्यों रखते हो तो दिल में उल्टा इसलिए रखती हूँ कि अच्छे से सेट हो जाता है, बार बार गिरता नहीं है। अगर मैं ऐसे दिल रखती हूँ ना, तो फिर ये लुढ़कता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे, तो मैं इसलिए ऐसे दिल रख देती हूँ, कंफर्टेबल रहता है। आज मैंने सोफा से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, आई रियली होप आप समझ गए होंगे मेरी फीलिंग्स को कि मैं क्यों ऐसे करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से बिछ गया, बिल्कुल गैप नहीं है सामने, इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सोफा एकदम कवर हो गया है, देखने में भी अच्छा लगता है, तो बस ये एक छोटा सा रीजन था। चलिए फटाफट कर लेते हैं काम।
अभी ना मैं सारे अपने ही धुले हुए कपड़े ले आई हूँ अपने और बेटू के, और इनको बैठ के मैं तही कर लूंगी, फोल्ड कर लूंगी। और टाइम ना एग्जैक्ट 10 हो रहा है, ना घड़ी की सुई इधर ना उधर, एग्जैक्ट 10 बज रहा है। तो आज मैं ना आलू के पराठे बनाऊंगी, तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही हो जाएगा, कुछ अलग अलग बनाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। और थोड़ा बहुत ही खाऊंगी, ज्यादा खाऊंगी नहीं मैं वैसे भी, तो आलू पराठे बना लूंगी, दोनों का काम चल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट ये कपड़े तय कर लेती हूँ, और तब तक बेडशीट भी सोक हो जाएगी तो मशीन ऑन कर लूंगी। और डस्टिंग अभी मैंने नहीं करी है पूरे घर की, तो अभी मैं करूंगी तो फिर वो झाड़ू लगाने आएगी ना, तो फिर सब में धूल छा जाएगी, तो इस वजह से डस्टिंग रहने दी है। तो चलिए मैं बुला लेती हूँ शबनम को और करती हूँ आगे के काम। और मेरा दिमाग ना बस बेटू के पास रखा हुआ है, काम भले ही कर रही हूँ बस वहीं का सोच रही हूँ, रो रही होगी कितना, रो रही होगी कैसे क्या। रास्ते में 10 जगह रुकी, ये लेना वो लेना ये करना वो करना, और देखिए ये गन खरीदवाई है, इतना बुरी तरह रोने लगी जिसकी कोई वो नहीं। और स्कूल में भी बोल रहे थे कि ये रोई थी, मैम बता रही थी कि रोई। चलो चेंज कर लो और पहले कुछ खा लो थोड़ा सा, तब पढ़ाई करना ठीक है। मैंने जो इसको पराठा बना करके दिया था, केला बोल रही थी मैडम ने कि आधा केला खाया इसने, और दो बिस्किट रखे थे वो खा लिए थे, फिनिश कर दिए थे। हाँ। ये क्यों रोई तुम इतना सोना? आ सबको ऊपर से बात, ऊपर खड़ो के बात करो, बिल्कुल फाड़ो नहीं गंदे बात। एक शॉप पर मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई, मुझे इतना अच्छा लगा। और आई एम सॉरी मैं इतना वैसे में थी ना भड़बड़ में, तो नाम पूछना ही भूल गई आपसे। और मुझे ऐसे मिलते रहते आप लोग, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने, ऐसे समझ में नहीं आता ना एकदम से क्या बात करो, एकदम से माइंड वैसा हो जाता है मिल करके कि हाँ क्या बोले क्या नहीं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो मुझसे वेंसडे मार्केट में भी मिल चुकी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग ऐसे मुझसे बात करते हो, इससे बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको भी एक मौसी मिली थी ना, अभी एक मौसी मिली थी ना, बोल रही थी पीयू आपको ब्लॉग में देखना बहुत अच्छा लगता है, पीयू से बोल रही थी। आप लोग बेझिझक आके मुझसे मिल लिया करो, कुछ लोग थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि
कभी कभी स्टैंड मारने का मन करता है ना, और ये लेट गया करके, 2 बज गया है, सारा काम हो गया, लंच हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने इसको लिटा दिया है और मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप जी को लेकर के काम करने। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं और अच्छी बात बताऊंगी, मेरी मम्मी ना गांव में है, गांव एकदम प्रॉपर गांव में है जहां पर वो पैदा हुई है, बड़ी हुई है, उनका बचपन बीता है, मामा लोगों के साथ रही है, तो वो वाले गांव में है। और इधर बेटू आ गई, इसको चैन नहीं, ब्लॉग शुरू हुआ नहीं, वीडियो शुरू हुआ नहीं कि बस ये आ गई क्यूटी पर। अब लैपटॉप रुक जाएगा मम्मा का, चलो सबको बता दो। सुना आपका स्कूल में दिन कैसा रहा? स्कूल बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और वहाँ पर कौन कौन था स्कूल में? झूला। झूला था। और क्या था वहाँ पर? और क्या था वहाँ पर? पता है नहीं। बुक्स नहीं थी? बुक्स था, बैग, लंच बॉक्स, मैम। उन्होंने ना गांव के जो उनका घर था जहाँ पर उनका बचपन बीता है, वो रूम अभी तक है, थोड़ा सा वैसे हो गए हैं बट अभी तक है, तो वो सारी चीजें उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं। तो मैं ना वही वाला वीडियो उनका अपलोड करने जा रही हूँ, तो इस ब्लॉग के आने से पहले वीडियो वो पड़ जाएगा मॉम्स इंडियन रेसिपी पर। आप मम्मी के गाँव वाला घर जहाँ वो बचपन से रही है, वो वाला घर अगर देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, और आपको कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। और आपको मेरे कल वाले ब्लॉग में जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी वो बहुत अच्छी लगी, और ये वाली कैसी लग रही है भी शेयर करिएगा। आजकल मैं कुछ लिपस्टिक लगा रही हूँ और इन और आजकल जो मैं सब लोग बोलते हैं आप लिपस्टिक क्यों बोलती, लिपस्टिक तो मेरी गंदी आदत है, मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी बुराइयां, अपनी कमियां एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिपस्टिक बोलती हूँ ना, बट अब मैं ट्राई करूंगी लिपस्टिक बोलने की। हाँ लिपस्टिक अब सही है ना, काफी सारे लोग क्या मुझे आप सभी लोग बोलते रहते हो लिपस्टिक लिपस्टिक बोलती हो, तो हाँ लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक, हाँ अब सही है, मैं लिपस्टिक लिपस्टिक फिर से बोला क्या बोलो, लिपस्टिक लिपस्टिक। तो जो सारी मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ उनकी डिटेल्स में आने वाले कुछ दिनों में दे दूंगी, हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूं या फिर आप वेट करेगा क्योंकि आप लोग बोल रहे हो। और ये वाली कैसी लग रही है जो मैंने आज लगा के रखी हुई है? ये भी अच्छी लगी ना, बहुत अच्छी लग रही है। पूरा घर का काम करके, पूरा रूटीन करके, सारा सब कुछ करके, जब तसल्ली से थोड़ा सा अभी मैं हाथ मुंह धुल करके, और जस्ट मैंने लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं, लगा करके आ लो, कितना अच्छा लगता है ना अंदर से, थोड़ा सा तो टाइम अपने लिए बनता है पूरे दिन में, है ना, चाहे वो दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी हो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए बनता है। तो इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा सा तैयार होकर के रहो ना, तो थोड़ा मन में अच्छा अच्छा फीलिंग आती, थकान थोड़ी सी कम लगने लगती है, वही सारी चीजें हैं। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बेटू ना, बेटू ऑलमोस्ट सो ही गई है, तो वो सो जाएगी, और बात करते करते मैंने मम्मी की आईडी खोलने की बजाय अपनी आईडी खोल ली, देखिए ये होता है। आज का जो दिन था वो सच में एकदम अलग था, डिफरेंट रूटीन, न्यू रूटीन, आप कुछ भी बोल लीजिए, मुझे इतना मतलब नया नया सा लग रहा है, सब कुछ नया नया हो गया है। बेटू स्कूल जाने लगे, उसका पहला दिन था, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा था, और मैंने जहां तक हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है कि मैंने किस किस तरीके से आज का दिन बिताया है। तो आई रियली होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काफी सारे लोग, मोस्टली लोग, आप लोग वेट कर रहे थे ना इस दिन का, पीहू कब स्कूल जाएगी। तो मेरा और आपका रिश्ता ऐसा हो गया ना, जैसे दो लोग फ्रेंड लोग आपस में बात करने बैठ जाते हैं ना, तो फिर उठते नहीं है। मेरा और आपका रिश्ता वैसे ही हो गया है, मतलब मैं बात करने लगती हूँ ना तो लगता है कि बस बात करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे तो व्लॉग ना 30-35-40 मिनट का बनता ही जाएगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं प्लीज दीदी इतना लंबा व्लॉग मत बनाया करो, मेरा नेट पैक खत्म हो जाता है। तो मुझे ना बड़ी हंसी आती है सुन के, मैंने कहा और नेट पैक खत्म हो जाएगा। फाइनली ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बात करती रहूंगी, और मुझे अभी थोड़ा सा काम करना है, और इसी वाले ब्लॉग को मैं एडिट भी कर दूंगी जब मम्मी का ये काम फिनिश हो जाएगा। मैं बहुत सारा काम करती हूँ, अपनी तारीफ अपने मुंह, मल्टीटास्किंग। चलिए मेरी बेटू भी सो गई, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो वो उठ जाएगी, और फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ।
मेरी लिपस्टिक कैसी लगी मुझसे जरूर शेयर करेगा। मैं बहुत जल्दी आपको ये जो सारे शेड्स हैं इनका डिटेल्स मैं शेयर करूंगी। फाइनली करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे टाटा बाय बाय।